अब मैं चाहूंगा दो शब्द आज इनके केक कटिंग बाद होगी, पहले आज इनका दिन है कि अपने बारे में कुछ बताएंगे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, काम किया और आगे बढ़े। तो एक बार कोई ध्यान से सुनिएगा। वेलकम मिस्टर रामू जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? मुझे भी बहुत आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ऐसे सभी लोग सर बता चुके हैं मेरा नाम, मैं फिर से बता देता हूं, मेरा नाम राम कुमार बैगा और हमारा जो जाति है वो बहुत नीचे दबे हुए हैं और इससे लोग मतलब कि हमारा जाति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता है। और मैं अपने गाँव में हमारा गांव में सिर्फ दो ही लड़के पढ़े हुए थे पहले, एक मेरा भैया और एक हम। और एक बिजनेस मतलब कि कैसे मिला से तो पता नहीं, लेकिन पहले इससे पहले भी एक डायरेक्शन हम किए थे जिसमें मुझे कुछ पता नहीं था कि किस तरह से डायरेक्शन किया जाए, दोस्तों कुछ सिस्टम नहीं समझे और वहां से मैं छोड़ दिया, रिजाइन मार दिया। उसके बाद मैं घर आया, घर में आने के बाद गाँव में ट्रैक्टर चलाने लगा, ऐसे बोलेरो वगैरह चलाने लगा, इस तरफ से गाड़ी लाने डल गया, फिर वो भी अच्छा नहीं लगा, दिल्ली गए, पंजाब गए, वहां से फिर भाग के आए, वहां भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में अपने गांव में समूह वगैरह चलता था, उसमें मैं ज्वाइन किया और समूह चलाते चलाते मैंने कि बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे लेडीज माँ बहनों के साथ में बैठते थे और बहुत अच्छे से बात विकास के बाद बताते थे। लेकिन उसके बाद में वहां पर पैसे मिलता था और बहुत कम मिलता था, तो मेरे भैया बोले कि रामू से एक बिजनेस है उसको ज्वाइन करो। हम लोग क्या बिजनेस है, हम तरह पूछने लगे, बहुत सारा लंबा सफर। तो वो बताया कि रूट प्योर कंपनी है, हम लोग कैसे कंपनी हम कर चुके हैं, से कुछ नहीं होता है, आप भी बेकार फंसे हुए हैं। भैया को मैंने कई बार ठुकरा दिया और मेरे ठुकराने के बाद जो भैया थे वो मामा को गए, मामा को ज्वाइन करे, मामा ज्वाइन कर लिए। उसके जस्ट एक दिन बाद मेरे पास उमेश सर और अनुभया आए, मुझे बहुत तोड़ तोड़ के समझाए, बहुत तोड़ तोड़ के, लेकिन मैं बोला कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा कमा क्या करूंगा, मैं समाज में सेवा करूंगा, बहुत बड़ा नाम होगा इस तरह से। लेकिन सर लोगों ने ये बताए कि रामू अगर आप समाज को सेवा करना चाहते हैं तो समाज को सेवा करने के तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तन मन और धन। आपके पास तन है, मन है, लेकिन अगर धन नहीं होगा तो आप सेवा कर पाएंगे? तब हमको समझ में आया कि मुझे धन भी जरूरत पड़ेगी और उस समय भी मुझे समझ में आया कि मुझे ज्वाइन करना या नहीं। से एक मेरे भैया महिंद्रा भाई होते हैं, मेरा जो गार्जियन है, उन्हें बहुत दिनों से कैसे समझाए और वो थे से 10 बीबी का पेमेंट निकाल कर दे दिए। मुझे पता नहीं कि क्या करूंगा नहीं करूंगा, सिर्फ जब ज्वाइन हो गए उसके बाद में बार बार उमेश सर, हारून सर, शशिकांत सर, विकास सर बार बार जाते थे तो मुझे लगता था कि इन लोग क्यों आते हैं। बोलते थे रामू लिस्ट बनाओ, कई बार बोलते ठीक है सर आज बन जाएगा, व्हाट्सएप में भेज देंगे, लेकिन फिर शाम के गायब, फिर फोन आता था सर अभी हम यहाँ पर बैठे हुए सर, समूह चला रहे हैं सर, नहीं सर ये बिजी है सर, इस तरह से मैंने टालते गया। लेकिन सर लोग भी जबरदस्ती पकड़ते रहे, पकड़ते चले ठीक है, जब पकड़ रहे हैं तब भी घूमेंगे, अपाचे से घूमने में कहा जाता है, डेली ऐसे जाते थे उधर मनाते हुए घूम के आते थे, कोई रिजल्ट नहीं, फिर आते थे दूसरा दिन, फिर कोई प्लान नहीं रहता था, लेकिन सर कुछ झूठ बोलते थे कि सर वहां पर प्लान है सर, चलना है दिखाने, सर आते थे फिर जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर घूम के वापस, ऐसे ही लगा एक आध सप्ताह तक किए, जो कई बार भूखले भी सर लोग गए थे क्या सर सतवा थे और घूम घूम के आ जाते थे। लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि जो ऐसे कर रहे हैं सर लोग पेट्रोल जला रहे हैं ये अच्छा बात नहीं है, सर लोगों ने हिम्मत नहीं हारे और उसके बाद में फिर किसी एक व्यक्ति को ना कहते हुए ज्वाइन कराया और आज वो व्यक्ति यहाँ से छोड़ दिए, बोले कि हम इस कंपनी पे काम नहीं करेंगे और मेरा हिम्मत टूट गया। लेकिन सर लोग हिम्मत फिर से दिए कि रामू ये होता है, ये इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े महान
पुरुषों के बारे में बताने लायक उन लोगों ने कई बार प्रयास किया तो हेलीकॉप्टर बनाया, लोहा उड़ाया, कई बार प्रयास किया तो बोल बनाया जो लाइट जलता है। तब इन लोगों ने इतने समझाए तब मुझे समझ में आया और फिर से मैं लिस्ट बनाया और काम करना स्टार्ट किया धीरे 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 अपने ऊपर विश्वास करते 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 करते। और मैं अब खुद से फील्ड में भी निकल के काम करता हूँ और सर लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट की वजह से आज मेरा एक लेवल कम्प्लीट हो चुका है। और इस लेवल को एक सौ छह पीवी कम रहा था जो एक भी करना था 106 पीवी। मुझे भी पता नहीं कि कैसे हो पाएगा या नहीं, लेकिन अपने ऊपर इतना भरोसा था और सर लोगों का इतना मतलब कि जो सपोर्ट करने का इतना अच्छा तरीका था और मुझे विश्वास था कि सर लोग कभी धोखा दे नहीं सकते हैं, सपोर्ट करते आए हैं और आज भी करेंगे। हारून सर यानी पूरा ग्रुप ग्रुप में डाला गया कि आज दामों की स्कूटी भोजन भोजन चाहिए। विकास सर भी लिख के बोले लिख दिया है कि आज किसी तरह से इसका स्कूटिंग कर जाएंगे। अब मेरी बात आ गई कि आज ये बहुत बड़ा लाज रखने की बात है, मुझे भी किसी हाल में कार्यक्रम कर देना है। और हम लोग निकले और निकलने के बाद इतना जी जान लगा दिया, भूखे प्यासे गए और वहां से टोटल पीवी लेकर आए और शाम कुछ पीवी और माना बच गया था जो 1 बजे रात को कंप्लीट किया गया। और उसके बाद में सुबह भी दिमाग में लगा रहा कि आज मेरे टीम से ज्यादा लोग लेके जाएंगे ताकि मेरा केक कटिंग में वो सहभागी बन सके। सुबह में मैंने निकला और सुबह में निकलने के बाद बहुत लोगों को लाने का प्रयास किया जो आज 2-3 बार अपने बैग से वहां से आए और फिर गए फिर आए फिर गए और फिर लेकर आए। इतने लाने के बाद आज मेरे लगभग काफी मेरे यूनिट से लोग हैं और जो इस तरह से इतना सपोर्ट किया जाता है ये बिल्कुल सही है और इसी सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पर आए हैं। और मुझे भी इतना भरोसा विश्वास है कि अगर आज आप आए हैं इस बिजनेस में जो आपका सीनियर लीडर है वो आपको इसलिए बार बार जाते हैं क्योंकि उनको इतना भरोसा है कि अगर ये साथ चलेंगे तो इनको मैं बहुत ऊपर लेकर जाऊंगा। वेरी गुड, लाखों कमाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुने 100% होगा। चलिए अब केक सेलिब्रेशन की बारी है और टाइम बहुत कम है तो हम लोग का एक रीति रिवाज है केक कटिंग का। सुभाष, रूबी, रेटिना,